Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is hashtag winners version and I'm your personal auxiliary winner. Panika tuning up right back with this video. ये video में हम लोग बात करने वाले हैं जो दो mark का आपको आने वाला है भावार्थ. हिंदी के poem में आपको जब poem का last question देखोगे आप, paper में आपको आएगा दो mark का भावार्थ. मतलब आपको दो poem की line या कुछ भी आपको बोला रहेगा वहाँ पे poem के बारे में. उपयुक्त प्रद्यांश में से चार पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए. ये चार पंक्तियां आपको तो पोएम की रहेगी और पोएम कहाँ से आने वाली, टेक्स्ट बुक से ही आने वाली है ना. तो मैं आपको बता दूं वहाँ पर आपको दो में से एक मार्क्स कैसे मिलेगा. ऐसे आपको दो पोएम आने वाली है तो दो पोएम में चार में से दो मार्क्स कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ ना आपको. यहाँ पर मैंने बना के रखा है टू में से वन मार्क्स का प्रस्तावना. अंडरस्टूड. दो में से एक मार्क्स आपको कब मिलेगा, जब आप एक मार्क का प्रस्तावना लिखोगे. तो यहाँ पर मैंने हर पोएम का प्रस्तावना बना के रखा है. क्योंकि मैं ये वीडियो लेट डाल रहा हूँ तो आपके दिमाग में सारी बातें तो जाएगी नहीं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर मेरे आवाज़ के मॉड्यूलेशन से, मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन से, मेरे मेमोरी रॉट टेक्निक से मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे अभी एट लास्ट मोमेंट कैसे आपको बाय हार्ट करना है. ऑलराइट, चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं भारत महिमा से. भारत महिमा यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका प्रस्तावना जो है, प्रस्तुत प्रश्न नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है प्रस्तुत पंक्तियाँ. सॉरी, अगर प्रश्न यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है तो आपको पंक्तियाँ लिखना है. ओके, प्रस्तुत पंक्तियाँ भारत महिमा से ली गई है, कविता से ली गई है. इसके कवि जो है जयशंकर प्रसाद जी है. प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है. भारत महिमा आएगी तो आपको पता है यहाँ पर जो कवि है वो है जयशंकर प्रसाद. कवि ने भारत देश के अतीत के बारे में गौरवशाली जो है, अतीत कैसा है, गौरवशाली मतलब आप हक से किसी को भी बता सकते कि मेरे भारत का अतीत ऐसा है, तुम्हें पता है क्या, उसके बारे में वर्णन किया है. क्या ये बात मेरी दिमाग में रहेगी आपके? चलिए एक बार हम लोग साथ में रिवाइज करते हैं. ओके, प्रस्तुत पंक्तियाँ कौन सी पोएम, यस, भारत महिमा से ली गई है. इसके कवि कौन है जल्दी बताओ, यस, जयशंकर प्रसाद जी है. कवि ने कविता के माध्यम से भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है. पहला वाला सिंपल था, चलिए आगे बढ़ते हैं. गिरधर नागर संस्कृत पोएम है, प्लीज़ इसको, ऐसी जो दो संस्कृत पोएम है बरसाही जलद और गिरधर नागर को प्लीज़ एक बार देख के जाना अच्छे से. कृषक गान भी है आई गेस. प्रस्तावना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ गिरधर नागर से ली गई है. प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, गिरधर नागर से. आई एम सो सॉरी, मैंने ना स्क्रीन ही यहाँ पे स्विच करने भूल गया था फर्स्ट वाले में, तो आपको ये वाला मैं वापस से दिखा देता हूँ. भारत महिमा, प्रस्तुत प्रश्न भारत महिमा से लिया गया है. इसके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है. प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर दिया गया है गिरधर नागर. प्रस्तुत प्रश्न कहाँ, प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, गिरधर नागर. इसकी कवित्री कौन है, संत मीराबाई. गिरधर नागर कृष्णा के बारे में बात हो रही है तो मीराबाई रहेगी ना. मीराबाई में म में बड़ी ई की मात्रा, रा बा ई. प्रस्तुत कविता में मीराबाई ने सभी पदों में श्री कृष्णा के प्रति मीराबाई के प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का चित्रण किया है. आपको यहाँ पर कैसे याद रखना है, सबसे पहले तो आप देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ गिरधर नागर नामक कविता से ली गई है. इसकी कवित्री कौन है, क व य में छोटी ई, त्र में बड़ी ई, त्री, मीराबाई है. कविता के माध्यम से मीराबाई ने अपनी कृष्णा के तरफ भक्ति दर्शाते हुए पांच चीज़ याद रखना है. पहला है प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा, प्रतीक्षा. ये पांच चीज़ों को उन्होंने क्या बोला है, दिमाग में रखने बोला है, जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा. ऑलराइट, पांचों चीज़ को आप में से एक बार रिवाइज करते हैं. कृष्णा भक्ति के साथ साथ उन्होंने क्या रखा है, प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, प्रिय मिलन, आशा और प्रतीक्षा. ऑलराइट, प्रेम, उत्सुकता, आशा, मिलन और प्रतीक्षा. प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार का चित्रण किया है. आगे हम लोग जाते हैं गज़ल. गज़ल जो कविता है वो किसने लिखा है, मानिक वर्मा जी ने. प्रस्तुत पंक्तियाँ गज़ल कविता से ली गई है. इसके कवि जो है मानिक वर्मा जी है. प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है. कवि का मानना है कि बाहरी रंग रूप तो अस्थाई होता है
सुंदरता हमारे विचारों में, हमारे काम में होनी चाहिए। यस और नो? मेंटल मेकअप करना बहुत ज़रूरी है। बाहर आप रंग दिखा दो, अपने चेहरे पे लगा दो कुछ भी, या अच्छे कपड़े पहन लो, बट अंदर से अगर आपका दिमाग नहीं सही है तो फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। फेस पे पता चल जाता है इंसान के कि क्या है। यस और नो? तो यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपके दिमाग में दो चीज़ डाला, मेंटल मेकअप, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। प्लीज़ ये दोनों चीज़ को दिमाग में रखना। गज़ल अगर कविता आती है तो प्रस्तुत पंक्तियाँ गज़ल नामक कविता से ली गई है। इसके कवि कौन है? मानिक वर्मा जी है, मानिक वर्मा जी। ऑल राइट, मानिक नाम याद रखना, गंगूबाई काठियावाड़ी में मानिक ने उसके साथ उसको धोखा दिया था, याद रखना ये चीज़। ऐसा आपको याद रिलेट करना है। गज़ल प्रस्तुत कविता में कवि ने हमारे निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है, आपको अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से सुखी दिखना चाहिए। कवि का मानना है कि बाहरी रंग रूप तो अस्थाई होता है, सुंदरता हमारे विचारों में, हमारे काम में होती है। ये क्लियर हुआ आपको? एक बार इसको प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, कृषक गान वापस से संस्कृत पोयम है, प्रस्तावना है, प्रस्तुत प्रश्न कृषक गान से लिया गया है, प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रश्न नहीं है, पंक्तियाँ कृषक गान से ली गई है। इसके कवि दिनेश भारद्वाज जी है। तो कृषक गान के कवि कौन है? दिनेश भारद्वाज। प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व सम्मान करना चाहते हैं। प्रस्तुत गीत जो कविता है वो कृषक के ऊपर डिपेंडेंट है, कम्प्लीटली किसके ऊपर है? कृषक के ऊपर है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि कृषक मतलब फार्मर के बारे में है, तो कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता मतलब जो आपको खाना देता है, अगर फार्मर खेती नहीं करेगा तो आपके पेट में कुछ नहीं जा पाएगा, आपके घर पे कुछ नहीं आ पाएगा। कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व सम्मान पुनरुद्धारित करना चाहता है। आगे देखते हैं वर्षाही जलद प्रस्तावना। वर्षाही जलद वापस से मेरे को लगता है संस्कृत पोयम है। प्रस्तावना प्रस्तुत प्रश्न वर्षाही जलद से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ सॉरी प्रश्न नहीं आएगा, पंक्तियाँ आएगा। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कवि ने कविता में वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। इसी काव्यखंड में श्री राम का व्याकुलता का चित्रण किया है। श्री राम की व्याकुलता मतलब श्री राम किस तरीके से व्याकुल हो रहे हैं, किस तरीके से वो व्याकुल मीन्स क्यूरियस हो रहे हैं, उसके बारे में वर्णन किया है। एक बार आप प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ऑलराइट, प्रस्तावना सबसे पहले वर्षाही जलद का आपको श्रीराम के रिलेटेड है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, ये आपको दिमाग में रखना है। फिर हमारे पास पोयम बचती है दो ही, तीन है छापा भी है, अपनी गंदनी बेचूंगा और समता की ओर। प्रस्तावना जो छापा का है वो है प्रस्तुत प्रश्न छापा से लिया गया है। इसके कवि ओम प्रकाश आदित्य जी है। कवि कौन है? ओम प्रकाश आदित्य छापा के। प्रस्तुत कविता में कवि ने छापे के दौरान अधिकारियों को वह सोना चांदी तो दूर, रसोई घर की पिपिया में पेट भरने के लिए जरूरत सामान भी नहीं मिलता। कवि ने कविता के माध्यम से छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली और आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्रण किया है। तो आप इसको प्लीज़ याद से पढ़ लिखना, कवि ने कविता के माध्यम से छापा मारने वालों की, ये रेड कलर का मार्कर तो आपको स्क्रीन पे कुछ दिखा रहे नहीं है। यस, येलो इज राइस। हाँ, आपको कहाँ से पढ़ना है मैंने आपको बताया। कवि ने कविता के माध्यम से छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली और आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्रण किया है। आई होप आपको एकदम क्लियरली समझ में आया रहेगा, एंड आपको उतना ही लिखना है जितना मैंने यहाँ पर येलो मार्कर से हाईलाइट किया है। आफ्टर राइटिंग दिस टू लाइन्स आपको वही लिखना है। ऑलराइट, प्रस्तुत पंक्तियाँ छापा नामक कविता से ली गई है। इसके कवि जो है वो कौन है? ओम प्रकाश आदित्य। ओम प्रकाश मक्की छाप, ओम शांति ओम वाला नहीं है, ओम प्रकाश आदित्य दिमाग में याद रखना, छापा ओम प्रकाश मक्की छाप नहीं, ओम प्रकाश आदित्य। स्पेलिंग आदित्य की आ द में छोटी ई त में य जॉइंट रहेगा, आदित्य। कवि ने कविता के माध्यम से छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली और आम आदमी की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आर्थिक मतलब पैसे के रिलेटेड का वास्तविक, वास्तविक मतलब रियल लाइफ चित्रण किया है। ऑलराइट,
आगे जाते हैं, अपनी गन नहीं बेचूंगा, अपनी गन नहीं बेचूंगा का प्रस्तावना ऐसा है, प्रस्तुत प्रश्न जो है अपनी गन नहीं बेचूंगा से लिया गया है। ओके, इसके कवि जो है बाल कवि बैरागी है। बाल क व में छोटी ई, कवि बई ब में आई की मात्रा, रागी जी है। प्रस्तुत मैं को एक बार पढ़ने दो फिर मैं आपको बता दो क्या पढ़ना है। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक ऐसे ही फूल का वर्णन किया है जो अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर है पर किसी भी हालत में अपना स्वाभिमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कवि ने इस कविता के द्वारा फूल के इस गुण को मनुष्य में भी अपनाने और स्वाभिमानी रहने की प्रेरणा दी है। ऑलराइट, अपनी गन नहीं बेचूंगा, मैं आपको ये पूरा प्रस्तावना लिखना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, यहाँ पर ये बताना है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने एक ऐसे फूल की वर्णन की है, फूल के बारे में वर्णन किया है जो अपना स्वाभिमान कभी नहीं बेचेगा, जो अपना स्वाभिमान रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा, तत्पर हो जाएगा पर किसी भी हालत में अपने स्वाभिमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फूल का एग्जाम्पल देते हुए जो कवि है हमारे, कौन है, ओम प्रकाश है क्या? नहीं, वो तो छापा के है। तो अभी ये जो अपनी गंदी बेचूंगा इसके कौन है? आदित्य। बट कौन से आदित्य? सॉरी, आदित्य नहीं है, बाल कवि बैरागी। बाल कवि बैरागी आदित्य किसके थे फिर? आदित्य किसके थे? ओम प्रकाश आदित्य ऊपर वाले के थे, छापा के। ऑलराइट, देखा, जब मैं भूल सकता हूँ इतने जल्दी फटाक से, मेरा इतना मस्त आइंस्टाइन वाला जीनियस ब्रेन भूल सकता है, तो फिर आप भी भूल सकते हो। तो मैं आपको बोल रहा हूँ रिविजन करते करते आपको लिख के प्रैक्टिस करने का, मेरा ऐसा ही, आपको पता है मैं रिविजन कर लेता हूँ फिर ना मैं खुद को ही टेस्ट देता हूँ कि मैंने जितना पढ़ा है मुझे क्या क्या ऐसा रिटेंशन में क्या क्या आ रहा है मेरे, मतलब मैं क्या क्या याद कर पा रहा हूँ। फिर मैं खोल के देखता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ अरे यार मैंने ये नहीं लिखा, मैंने ये नहीं लिखा बोलते ही वो चीज़ मेरे दिमाग में घुस जाती है, फिर वो कभी ज़िंदगी में निकलती नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना मैंने एक बार पढ़ा, मैंने उसको लिख के अपने आप को टेस्ट दिया कि मुझे याद है क्या नहीं, और याद नहीं है तो मैंने खोल के देख लिया बुक को, फिर मैंने उसको प्रैक्टिस कर लिया, अब वो मेरे दिमाग से किसी का चाचा नहीं निकाल सकता है। अंडरस्टूड? मैं इज्जतदार हूँ ना, मैं चाचा बोलता हूँ, मैं बाप नहीं बोलता हूँ। नेक्स्ट, कवि ने इस कविता के द्वारा फूल के इस गुण को मनुष्य को भी अपनाने और स्वाभिमानी रहने की प्रेरणा दी है। नेक्स्ट, समता की ओर में प्रस्तावना है, प्रस्तुत प्रश्न समता की ओर से लिया गया है। इसके कवि मुकुटदार पांडे जी है। कौन है पांडे जी? मुकुटदार, स्पेलिंग देख लो, म में छोटा उ मु, क में छोटा उ कु, ट धर, धर है हाँ, दार नहीं, धर, मुकुटधर पांडे जी है। प्रस्तुत कविता में इस कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है, समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। अगर कोई गरीब है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि आप सामने वाला गरीब है पर आपके पास थोड़ा धन है तो आप सामने वाले की मदद करो, सामने वाले का चेहरा पहचान के आपको समझ जाना चाहिए कि उसको क्या तकलीफ है, और अगर आपके पास है और अगर आपने नहीं दिया तो मतलब आप फिर बहुत कंजूस है यार, आपको सामने वाले का दर्द दिख रहा है पर आप उस दर्द को दवा नहीं दे सकते हो तो फिर ऊपर वाला आपके दर्द को कैसे दवा देगा। ये तो मैं आपको रियल लाइफ बात बोल रहा हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि आपके लाइफ में बहुत गिने चुने ही लोग रखने का, कभी भी लाइफ में ना बहुत कम ही लोग रखने का, ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा टेंशन, पर ये गिने चुने लोग जो आपके चेहरे पे खुशियाँ ला सकते हैं, जिसके वजह से आपके वजह से जिनके चेहरे पे खुशियाँ आ सकती है, तो ऐसे लोगों के चेहरे पे जब खुशियाँ आती है, जब उन लोग आपको देते हैं और आप उनको देते हो, तभी जाके ये लाइफ बेस्ट बनती है। राइट, पैसे कोई काम में नहीं आने वाले हैं, आने वाला है काम में तो वो इंसान है। किसी का प्यार, किसी की दुआ कमाना है ना, पैसों का काम नहीं है, सिर्फ हमदर्दी का काम है। आई एम टेलिंग यू, आप लोग से जो मुझे पैसा मिलता है ना, मैं आपको दिखा दूँ, 8,000 रुपये मिलता है, क्या वो किधर जाता है 8,000 रुपये? तो मतलब मैं एक बार में मैंने सिर्फ वो बैग ले लिया था तो मेरा पूमा में जाके 8,000 रुपये खर्चा हो गया था, पूरे साल भर मेहनत करने के बाद। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है कब, जब आप लोग कॉमेंट करते हो और मुझे बोलते हो सर आपकी वीडियो की वजह से मैं कुछ कर पाया, मैंने आगे बढ़ पाया। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है ये कि मान लो मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनूं। जो तकलीफ़ मैंने सहा है ना एजुकेशन में, जब मुझे मिला था बचपन में, वो हर एक दिन मुझे याद है कि मुझे किस तरीके से इंसल्ट फील होता था जब मेरी फ़ीस नहीं भरी होती थी, या एक एक चीज़ों के लिए जो मैं तरसा हूँ ना, मैं कभी नहीं किसी को ऐसा होने दूँ। और जब तक मैंने ये चीज़ को हासिल नहीं किया ना इस दुनिया में,
मैं कभी ये दुनिया छोड़ के जाऊँगा ही नहीं, और मैं किसी ना किसी के अंदर ये आग जला के ही जाऊँगा। अगर मेरे से नहीं हुआ ये काम तो डेफिनेटली कोई और तो रहेगा ही मेरे जगह पे, क्या पता वो आप भी रह सकते हो जो एजुकेशन को फ्री करोगे। आई होप आपको ये पूरा प्रस्तावना यहाँ पर यहाँ तक का समझ में आया रहेगा, एंड उसी के साथ में मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। आगे दो वीडियो और बनाना है मुझे, 12:38 हो रहा है, मैं मेरा पूरा कोशिश करूँगा, मैं आपको एक बार रिविजन दे दूँ राइटिंग स्किल्स का, एंड फिर हम लोग फाइनली टेक ऑफ कर देंगे हिंदी पेपर के लिए। ऑल राइट, अंटिल वी मीट, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपका डिनर हो गया रहेगा, मम्मी डैडी को सोने दीजिए और आप भी सो जाइए। मेरे दो वीडियोस जो आएंगे वो कल सुबह उठ के देख लेना आप लोग, ओके, एंड थोड़ा सा रिविजन कर लेना, और ध्यान रखना अपना प्लीज़। ये टाइम ऐसा है ना जिसमें आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इतना पूरा साल भर मेहनत किए ना, फिर उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हो, समझ में आया? तो आप आराम से रहिए, घर पे रहिए, एंड फ्रेंड्स को टेक्स्ट मत कीजिए, मोबाइल को दूर चार्जिंग पर रख दीजिए, और बस सो जाइए आप। ऑल राइट, अंटिल वी मीट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।